आज का अपना टॉपिक है पेरेग्रीन फाल्कन, और आज हम इसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि इसकी स्पीड, फूड और साथी के बारे में। तो चलो इसे समझते हैं। पेरेग्रीन बाज या पेरेग्रीन फाल्कन, ये पृथ्वी पर सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी है, जो अपने शिकार को बड़ी ही बेहरमी से मारते हैं। इनकी स्पीड 240 मील प्रति घंटे या 386 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होती है। ये शिकारी पक्षी अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं और शहरी और जंगली दोनों वातावरणों के मूल निवासी हैं। वे एक पत्नी होते हैं, मतलब ये अपनी पूरी लाइफ एक जोड़े में ही रहते हैं और जीवन भर के लिए एक ही साथी के साथ संभोग करते हैं। मादा अपने अंडे देने के लिए किसी चट्टान या अन्य ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाती है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा पेरेग्रीन बाज को सबसे कम चिंता वाली प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि निवास स्थान के नुकसान और कीटनाशकों के उपयोग के कारण कुछ क्षेत्रों में इनकी आबादी में गिरावट आई है। अपनी प्रभावशाली गति के अलावा पेरेग्रीन बाज के पास अन्य यूनिक अनुकूलन है, जो उनके शिकार और अस्तित्व में सहायता करते हैं। उनके पास झुकी हुई चोंच और नुकीले पंजे होते हैं, जो उन्हें अपने शिकार को पकड़ने और मारने की अनुमति देते हैं, जिसमें छोटे पक्षियों से लेकर बत्तख और कबूतर जैसे बड़े पक्षी तक हो सकते हैं। कम से कम चिंता की प्रजाति के रूप में उनकी स्थिति के बावजूद पेरेग्रीन बाज आबादी को निवास स्थान के नुकसान, इमारतों के साथ टकराव और प्रदूषकों के संपर्क जैसे खतरों से बचाने के लिए संरक्षण प्रयास अभी भी आवश्यक है। इनके बारे में कुछ रोचक बातें, जैसे एरोडायनामिक डिजाइन, उनका सुव्यवस्थित शरीर, शक्तिशाली पंख और तेज चोंच सभी अविश्वसनीय गति के लिए डिजाइन किए गए हैं। गोता लगाने के दौरान अधिक सुव्यवस्थित आकार प्राप्त करने के लिए वे अपने पंखों को अपने शरीर से कसकर मोड़ सकते हैं। पेरेग्रीन फाल्कन कुशल शिकारी होते हैं, जो हवा में शिकार को पकड़ने के लिए अपनी इनक्रेडिबल गति और गहरी दृष्टि पर भरोसा करते हैं। वे एक मील दूर से संभावित शिकार को देख सकते हैं और सटीकता के साथ उसकी गतिविधियों को ट्रैक कर सकते हैं। जब वे हमला करते हैं तो वे अपने पंखों को अपने शरीर की ओर मोड़ लेते हैं और एक जीवित मिसाइल बनने के लिए अपने सिर को अंदर दबा लेते हैं। पेरेग्रीन बाज अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं, जो पहाड़ों और टुंड्रा से लेकर रेगिस्तानों और जंगलों तक विस्तृत निवास स्थान पर रहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने गगनचुंबी इमारतों और पुलों पर घोंसला बनाकर शहरी वातावरण में भी पनपने के लिए खुद को अनुकूलित कर लिया है। DDT कीटनाशकों के उपयोग के कारण पेरेग्रीन बाज एक समय लगभग विलुप्त होने के कगार पर थे। हालांकि संरक्षण प्रयासों की बदौलत उनकी आबादी ने अपनी लचीलापन और अनुकूलन क्षमता का प्रदर्शन करते हुए उल्लेखनीय वापसी की है। इन पक्षियों की शिकार की अनोखी तकनीक होती है। वे अक्सर शिकार की तलाश में आसमान में ऊंची उड़ान भरते हैं। ये पक्षी अपनी विशिष्ट उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं। उनके पास गहरे नीले भूरे रंग की पीठ और पंख है। पेट का निचला हिस्सा हल्का है। उनके चेहरे पर विशिष्ट काले साइडबर्न भी है। कुल मिलाकर पेरेग्रीन बाज कई अनूठी विशेषताओं वाला एक प्रभावशाली पक्षी है, जो इसे अध्ययन और अवलोकन के लिए एक आकर्षक प्रजाति बनाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।